Hi, guys, welcome to smart commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video, we will be covering the sixth chapter of ACCA F7, and the name of the chapter is a conceptual and regulatory framework. So, guys, before we get started, I would request all the students who have not subs subscribed to my channel to please subscribe, and students who have already subscribed to my channel, please share my channel. सो बाकी आई नो यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट टू शेयर माई चैनल सो आई ट्रस्ट यू ऑल गाइज सो अब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइज चैप्टर नंबर सिक्स ये जो चैप्टर है दिस इज प्योरली थ्योराटिकल ठीक है ये प्योरली थ्योराटिकल है और थ्योराटिकल के साथ साथ ये चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन एफ थ्री सो एफ थ्री में जो चैप्टर नंबर वन है And chapter number 2 So chapter number 1 and chapter number 2 chapter number 1 का part 2 and chapter number 2 ये पूरे दोनों chapters यही इसी की theory है ठीक है so 70 80% 80 85% in fact jo theory जो wo है वो yahan है यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी बट पॉइंट्स का मतलब बिल्कुल सेम है तो जिन बच्चों ने एफ़ थ्री मेरी वीडियो से पढ़ी हुई हैं उनको ये चैप्टर पूरा आता होगा और जिन बच्चों ने मेरी एफ़ थ्री की वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो सीधा एफ़ सेवन से स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एफ़ वन टू एफ़ फ़ोर की एग्जामेशन ली है उन स्टूडेंट्स को आई वुड से कि ये दोनों चैप्टर की वीडियोस देख लो मैं इनका लिंक यहाँ तुम्हें ऊपर अगेन दिख जाएगा इन दोनों चैप्टर्स का लिंक तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों चैप्टर्स की वीडियो देख लो और देखने के बाद इस चैप्टर के सीधा सीधा हम क्वेश्चन करेंगे दो तीन चीज़ें हैं इस चैप्टर में बस जो कराने वाली हैं और बाकी वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन ये वीडियो जरूर देखना का क्योंकि सारा ये जो चैप्टर है ये इन दोनों वीडियो से लिंक्ड है कुछ भी अलग नहीं है कुछ नया नहीं है इसमें सच थोड़ा बहुत है ठीक है तो ये वीडियो देख लेना मैं तुम्हें तो साथ साथ अभी दिखाता रहूंगा इस चैप्टर में कि कौन सी चीज़ उस वीडियो में कवर्ड है चलो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले यहां पे आता है देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नेसेसरी प्रिंसिपल्स बेस्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेज ऑफ हार्मोनाइजेशन ये सारा मैंने वहां पे कवर कराया हुआ है ठीक है तो मैं कहूंगा पहले ये वीडियोस तुम देख लेना देखने के बाद ये चैप्टर स्टार्ट करना ठीक है पहले वो वीडियोस देख लो दोनों एंड देन स्टार्ट दिस चैप्टर आई एफ आर एस फाउंडेशन आई एफ आर एस बोर्ड आई एफ आर एस एडवाइजरी कमेटी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड आई एफ आर एस ये सब कुछ कर चुके हैं ठीक है उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेपचुअल फ्रेमवर्क ये भी हम सारा कर चुके हैं ये सारा है चैप्टर नंबर वन के पार्ट टू में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट ठीक है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ये भी कवर्ड है मटीरियलिटी ये भी कवर्ड है सारा उसमें ये भी कवर्ड है उसमें ये भी कवर्ड है एसिड लाइबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंसेस ये सब कुछ भी कवर्ड है उसमें एक्जैक्टली exactly पूरा पूरा बताया हुआ है सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी का फ़र्क है सो बस ये पार्ट है जो यहाँ पे नया है सो बेसिकली अगर मैं तुम्हें एक रक्स बताऊँ वो जो दोनों वीडियोज़ हैं हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर रखा है द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है ठीक है तो तुम सब एक बार वो वीडियो सारी देखना वो सारी वीडियोस देखने के बाद वो दोनों इनफैक्ट देन ये चैप्टर स्टार्ट करना और एक बार खुद इसको भी रीड करना आई वुड नॉट से ये चैप्टर पूरा छोड़ दो रीड जो भी मैंने सारा ऊपर इस चैप्टर में दिखाया तुम्हें एक बार अपने लेवल पर जरूर पढ़ लेना सो दैट यू कैन लिंक इट विद योर वीडियोज जो मैंने तुम्हें कराया है ठीक है अब आता है रेकग्नाइजेशन अब रेकग्नाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स अब रेकग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है सो so, रेकग्नाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें बुक्स में किस चीज़ को कैसे रिकगनाइज करना है मतलब बुक्स में कैसे शो करना है तो द रेकनाइजेश रेकगनाइजेशन इज़ द डिपिक्शन ऑफ एन एलिमेंट इन वर्ड्स एंड बाय मॉनिटरी अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे हम दिखाते हैं ना अपने नॉन करंट एसेट और ये हमारी वैल्यू होती है तो दिस इज़ रिकोगगनाइजेशन कि कैसे हमें एक एलिमेंट को इन वर्ड्स और इन अमाउंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है अब चाहे जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं रेवेन्यू रेवेन्यू कितना होता है ठीक है तो दिस इज़ इन वर्ड एंड दिस इज़ इन नंबर्स तो ये बहुत ही बेसिक है वैसे आई डोंट थिंक कि ये चीज़ एफ़ सेवन में होनी चाहिए एफ सेवन शुड बी एडवांस्ड तो ये काफ़ी बेसिक है तो दिस इज रेकग्नाइजेशन सो देन कम्स रिकोगगनाइजेशन ऑफ एसेट्स एन एसेट विल ओनली बी रिकोगनाइज इफ़ इट गिव्स राइट और अदर एक्सेस टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास ट्रांजैक्शन और इवेंट इसका मतलब कि एसेट को हमें तभी रिकॉर्ड करना है जब वो एसेट हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स थे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब एसेट को लगाने के बाद हमें उस एसेट से कुछ प्रॉफिट्स आए इट कैन बी मेजर्ड इन सफिशेंट विथ सफिशेंट रिलाबिलिटी कि एसेट की कॉस्ट को हम ठीक से अपनी बुक्स में लिख सकें एक सफिशेंट अमाउंट हो उसका देर इज़ सफिशेंट एविडेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एसेट एग्जिस्ट भी करना होना चाहिए हमने वैसे बोल दिया कि हमने मशीन परचेज की है लेट से टेन थाउजेंड डॉलर्स की एंड मशीन परचेज कर दी मशीन हमारे पास फिजिकली है ही नहीं हमने सिर्फ परचेज करके पेमेंट करके बुक्स में दिखा दी जो भी चाहे मशीन नहीं ली वॉट एवर रीज़न इस चीज़ को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एसेट कब कब रिकॉर्ड होना चाहिए जब वो हमें फ्यूचर बेनिफिट दे एक सफिशेंट अमाउंट हो उसका और वो एग्जिस्ट करती हो नेक्स्ट आता है रिकग्नाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज हमें लाइबिलिटीज को कब रिकोगनाइज करना चाहिए अ लाइबिलिटी विल ओनली बी रिक्नाइज इफ देयर इज एन ऑब्लीगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट एज अ रिजल्ट ऑफ पास ट्रांजेक्शन ये तो डेफिनेशन ही है हमारी ठीक है इट कैन बी मेजर्ड विद सफिशेंट रिलायबिलिटी एंड इट ऑल्सो शुड एग्जिस्ट ठीक है तो लाइबिलिटी कब रिकगनाइज करनी चाहिए जब हमें पता है कि हमें आगे जाके किसी को पैसे देने हैं फर्स्ट थिंग दूसरा हम उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर कैलकुलेट कर सकें और तीसरा वो एग्जिस्ट करती होनी चाहिए देन कम्स रिकगनाइजेशन ऑफ इनकम अब इनकम को कब रिकगनाइज़ करने इनकम इज़ रिकगनाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस वेन एन इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजेज फ्रॉम एन इंक्रीज इन एसेट ये भी एक तरह से हमारा डेफिनेशन है ये भी हमने ऑलरेडी कर रखी है और इंक्रीज को हम पूरा मेजर कर सकें रिलायबली हमें पता हो अमाउंट में कि इतनी हमारी इनकम है रिकग्नाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस ये भी सेम डेफिनेशन और हम उसको मेजर कर सकें सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर तो तुम बोलोगे सिर्फ तो चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया तो मैंने तुम्हें कहा था चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है तुम्हें इसकी सारी पुरानी वीडियोस देखनी है हाँ अगर देख ली हैं उसके बाद तुम ये वीडियोस देख रहे हो तो यस ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है दिस इज़ दी लास्ट टॉपिक सो फाइनेंशियल पोजिशन अप्रोच टू रेकगनाइजेशन सो फाइनेंशियल पोजिशन अप्रोच क्या कहती है रेकगनाइजेशन की इट कैन बी सीन देयर फोर इनकम इज एन इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन अ लाइबिलिटी मतलब अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है देखो ये बेसिकली ये ट्वेल्थ जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं उनके ट्वेल्थ से रिलेटेड है बट जनरली मैं बता देता हूँ इसका सिंपल सा लॉजिक कोई भी अगर हमारा एसेट है एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो जैसे हम अगर इसको रीवैल्यूएशन में लिखें लिखना नहीं है जस्ट जनरली अगर रीवैल्यूएशन में लिखें तो इट्स गोइंग टू तो बी अ प्रॉफिट फॉर अस कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी इनकम सेम वे अगर एक लाइबिलिटी है लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी क्या होती है एग्जाम्पल मुझे पेबल थे मेरे वन थाउजेंड डॉलर के मुझे वन थाउजेंड डॉलर किसी को पे करने दे हुआ क्या कि इसमें से एक बंदा था उसकी डेथ हो गई और उसके आगे पीछे कोई नहीं है कोई भी बंदा नहीं है उसके आगे पीछे या फिर वो देश छोड़ के भाग गया ठीक है या फिर एनी रीजन तो इन दैट केस अब मुझे पेबल को जैसे पहले देने थे टेन थाउजेंड अब मुझे पे करने पेबल को सेवन हंड्रेड थ्री हंड्रेड डॉलर्स वाले उस बंदे को अब हमें पैसे नहीं देने तो अगर तुम तो माइंड में सोचो ये तुम्हारा फायदा होगा कि नुकसान तो इट्स विल बी अ फायदा फॉर यू कि यू नो कि तुम्हें अब उसको पैसे नहीं देने पहले देने थे तुम्हें किसी को पैसे अब तुम्हें उसको पैसे नहीं देने सो दैट विल बी अ फायदा फॉर यू ठीक है तो लाइबिलिटी भी अगर हमारी डिक्रीज होती है सो दैट विल बी अ इनकम फॉर अस इसी का अगर मैं वाईसी वर्षा करूं एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है अगर एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी दैट मीनस हमारे एसेट की वैल्यू गिरेगी तो हमारा क्या हो जाएगा लॉस तो यानी उसको क्या बोलते हैं हम एक तरह से एक्सपेंस एक्सपेंस और लॉस और अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अब लाइबिलिटी की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक बंदा था एस ही वॉज अ पेबल उसको तुम्हें वन थाउजेंड डॉलर पे करने थे हुआ क्या उसने बोला था मुझे दो महीने में पे कर देना और तुम दो महीने में ये अमाउंट पे नहीं कर पाए तो उसने बोला भाई तू तो दो महीने में अमाउंट नहीं पे कर पाया अब मैं तेरे से फिफ्टी डॉलर्स एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि तूने डिले कर दी पेमेंट में अब पेमेंट में डिले कर दी दैट मीन्स मेरी लाइबिलिटी अब इंक्रीज होगी टोटल लाइबिलिटी वन जीरो फाइव जीरो डॉलर्स की होगी अब एज़ लाइबिलिटी हैज़ बिन इंक्रीज ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस सो इट विल बी अ लॉस फॉर यू नुकसान हो गया ना वो हो पचास रुपये और एक्स्ट्रा देने सो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो दैट विल ऑल्सो बी अ एक्सपेंस और लॉस फॉर अस ठीक है यही इसमें लिखा हुआ है बस सिंपल सो एज इनकम एंड एक्सपेंसिस आर देयर फॉर रेकग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिस इज नोन एज फाइनेंशियल पोजिशन अप्रोच टू रेकगनाइजेशन तो फाइनेंशियल पोजिशन अप्रोच टू रेगनाइजेशन का मतलब सिंपली क्या होता है अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी इनकम हो जाएगी एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमारा लॉस हो जाएगा लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा लॉस है लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो हमारी इनकम है जस्ट तुम्हें थ्योरी के लिए चीज याद करनी है इसका प्रैक्टिकल से कोई रिलेशन नहीं है ठीक है वेरी सिंपल यहां पे गाइज हमारे चैप्टर खत्म होता है सो आई होप तुमने वो वीडियोज ली हो गाइज प्लीज वो वीडियोस देख लो क्योंकि अब मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ और वो अंडरस्टैंडिंग तुम तभी कर पाओगे अगर तुमने वो दोनों वीडियोस देखी हैं सो लेट्स स्टार्ट विथ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन अंडर द करंट स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटरी बॉडी विच बॉडी लिस्टेड बिलो एक्ट्स एज अ ओवरऑल सुपरवाइजरी बॉडी तो ओवरऑल सुपरवाइजरी बॉडी कौन सी कौन सी होती है तो इंटरप्रटेशन कमेटी तो हमारे सारे जो हमने रूल्स बनाया तो उसको इंटरप्रेट करती है स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है ये तो रूल्स बनाता है एडवाइजरी कमेटी तो इनको एडवाइज करती है कि इसमें ऐसे करो ऐसे करो ओवरऑल सुपरवाइजर कौन होता है हमारा आई फाउंडेशन फाउंडेशन इज द ओवरऑल सुपरवाइजर हु टेक्स केयर ऑफ ऑल दी थिंग्स नेक्स्ट विच ऑफ द बॉडीड बिलो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग एंड गाइडेंस ऑन देयर एप्लीकेशन तो जैसा मैंने अभी बताया था ये काम किसका होता है बोर्ड का सो यर आंसर इज बी थर्ड विच ऑफ द बॉडीड बिलो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट इंटरप्रिटेशन ड्राफ्ट इंटरप्रिटेशन तो ड्राफ्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में कौन काम करते हैं इंटरप्रिटेशनल कमेटी जो ये देखती है कि स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या क्या चेंजेस और करने हैं लास्ट विच ऑफ दी बॉडी बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ आई एफ आर एस एडवाइजरी काउंसिल तो आई एफ आर एस एडवाइजरी काउंसिल का मेन काम क्या होता है सिर्फ उनको एडवाइस करना अपने व्यूज देना प्रिपेयर ये दे डोंट प्रिपेयर टू प्रोवाइड द बोर्ड विद व्यूज ऑफ इसबर्स ऑन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट ये सो द आंसर इज बी ना ये प्रमोट करते हैं ना ये सिलेक्ट करते हैं मेंबर को इनका काम सिर्फ होता है कि वो एडवाइज करते हैं बोर्ड को कि जो स्टैंडर्ड आपने बनाए हैं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं या नहीं और उनमें क्या क्या चीजें हम और ला सकते हैं ठीक है थीज़? ये मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं करा रहा यह हमें नहीं करना अंडरस्टैंडिंग नंबर थ्री ये भी थ्योरी का पार्ट है इसको भी छोड़ देते हैं अंडरस्टैंडिंग नंबर फोर भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ ये तुम सॉल्यूशन से एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ जरूर लेना ठीक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल है अगर इन केस ट्वेल्व मार्क्स वाले में आता है तो हमें ये ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है ज़रूर इसको एक बार सॉल्यूशन से रीड करना हमने सारा उन वीडियोज़ में कवर कर रखा है ज़रूर इसको रीड करना अब आता है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर फाइव सो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर फाइव क्या बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द्रेस होल्ड क्वालिटी ऑफ अ यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है तो क्वालिटी होती है उसकी मेटीरियलिटी तो थ्रेस होल्ड फॉलोइंग इज अ थ्रेशस होल्ड क्वालिटी ऑफ यूज़फुल इन्फॉमेसन सो थ्रेश होल्ड क्वालिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या वो क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन है या नहीं तो वो हमें मेटेरियलिटी से पता लगती है क्योंकि मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था मैटेलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है हमें वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो एक्चुअली रेलिवेंट है इम्पॉर्टेंट है जिसका बिजनेस से रिलेशन है एंड जिसके चेंज होने से यूजर्स के माइंड में इफ़ेक्ट आएगा अंडरस्टैंडिंग नंबर टू अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंडरलाइंग एजम्प्शन फॉर सेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब अंडरलाइंग एजम्प्शन ऑफ अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारी कौन सी एजम्प्शन होती है तो दैट इज अ गोइंग कंसर्न सो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारी अंडरलाइंग एजम्प्शन ये होती है दैट इज गोइंग कंसर्न ये तीनों हमारी अजम्पन्स नहीं है ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं जो हमें फॉलो करने हैं दीज आर नॉट अजम्प्शन कि प्रूडेंस हम अज्यूम करके चलेंगे अक्रूवल अज्यूम दीज आर नॉट अजम्प्शन गोइंग कंसर्न इज अजम्पन कि हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा ऐसा नहीं है कि एक साल करेंगे अगले साल बंद कर देंगे सो आंसर इज ए गोइंग कंसर्न तो लिंक दिल लिंक टर्म्स बिलो टू वेदर दे रिलेट टू प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो सबसे पहला फ्री फ्रॉम बायस तो फ्री फॉर्म बायस इज़ अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन उसमें कुछ भी गलती नहीं है मेटीरियलिटी मतलब रेलिवेंट जैसा मैंने बताया था कन्फर्मेट्री वैल्यू कन्फर्मेट्री वैल्यू के जो भी वैल्यू बुक्स में लिखी हुई है वो हम कहीं से भी किसी भी डॉक्यूमेंट से कन्फर्म कर सकते हैं सो दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट इट्स नॉट फेथफुल इट इज़ रेलिवेंट कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है मतलब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कि इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी कंप्लीट है एंड उसमें कुछ भी गलत नहीं है विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नीड टू बी सैटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर एन आइटम टू बी रिकग्नाइज इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमने ऊपर पढ़ा था अभी देखते हैं डेफिनेशन कौन कौन सी है इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट येस कि वो डेफिनेशन मीट कर रही है दूसरा इट इज प्रॉबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू और फ्रॉम द्राइज यस ये भी डेफिनेशन में आता है इट इज सर्टेन दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो नहीं सर्टेन नहीं होता इट इज़ प्रॉबेबल हम प्रॉबेबल मान के चलते हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें होंगे इट्स नॉट सर्टेन द एंटिटी हैज़ पेड फॉर देम ना ये कहीं नहीं हमने पढ़ा था हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था वो क्या था रेकगनाइजेशन के लिए जो मैंने इस वीडियो में करवाया था एक तो डेफिनेशन थी उसकी एक हम उसको किसी वैल्यू में मेजर कर सकें और वो चीज़ होनी चाहिए तो ये भी डेफिनेशन में आता है और यहाँ इन्होंने डेफिनेशन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर फाइव ये करते हैं जल्दी से गाइज <coughs> एक चीज मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चंस तुम तभी कर पाओगे अगर तुमने वो वीडियोस देखी हैं ये मत सोचना कि वो वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है ऐसे ही हम पढ़ लेंगे दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट द बोर्ड्स फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइड क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव करेक्टिस्टिक्स अब क्वालिटेटिव करेक्टिस्टिक्स हमारे कौन से होते हैं एक तो था हमारा रेलिवेंस दैट इज क्वालिटी और एक हमारा था फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दीज टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते ये दोनों होते हैं हमारे पॉइंट इज द बोर्ड फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ये पाँचों क्वालिफाइड करेक्टरिस्टिक्स थे विच ऑफ द अबव आर नॉट लिस्टिड एज एन एनहैंसिंग करेक्टरिस्टिक्स कि कौन से हमारे इनहेंसिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं तो नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स तो हमारी ये दोनों हैं र एन्हेंसिंग करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ दी जो हमें बुक्स में गिवन है कि ये तो होना ही चाहिए ये तो क्वालिटी होती है उसके अलावा दीज वर एनहेंसमेंट्स के ये तीन चीजें होंगी तो हमारे और ज्यादा एक्यूरेट माने जाएंगे वो सो यार आंसर इज डी ठीक है अब उसके बाद आता है सिक्स सेवन एट गाइज इनकी तुम क्वेश्चन हैं वो सॉल्यूशन है एक बार पढ़ लेना अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन दी ग्रुप ठीक है ग्रुप में मैं उसका रिवर्ट कर दूँगा और ये चैप्टर सिर्फ इतना ही है ये मत सोचना चैप्टर छोटा है तुम्हें वो दोनों वीडियोस देखनी है तभी ये चैप्टर क्लियर होगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बिल्कुल मुश्किल नहीं है गाइस ठीक है चलो गाइस टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम